हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको Vivo T1 5G के अल्ट्रा गेम मोड के बारे में बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको इसमें कितने गेमिंग फीचर्स मिलते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन अल्ट्रा गेम मोड की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन है ये आपको फ़ोन में कहाँ मिलता है। तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, देन आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे शो करेगा अल्ट्रा गेम मोड, आप देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सारे आपको अल्ट्रा गेम मोड के सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर गेम साइड बार का ऑप्शन मिलता है एंड नीचे आपको सीन मोड में दो ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है ई स्पोर्ट्स मोड एंड जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपको मिलता है ऑटो प्ले विथ स्क्रीन ऑफ। और आपको यहाँ पे नीचे इनहेंस एक्सपीरियंस में भी आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 4D गेम वाइब्रेशन एंड सेकेंड है गेम साउंड क्वालिटी एंड साउंड इफेक्ट्स। और आपको यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब में भी दो ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है म्यूट नोटिफिकेशन, जहाँ पर आप इसे इनेबल और डिसेबल आपके हिसाब से कर सकते हैं। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सीडेंटल टच प्रिवेंशन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आपके हिसाब से अगर आपको बेटर लगता है तो आप इसे यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपको मल्टीटास्किंग में भी दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। फर्स्ट है गेम पिक्चर इन पिक्चर, जहाँ पे ऑलरेडी दो ऑप्शन इनेबल है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप इसे यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जब आप गेम खेलोगे तो आपको कितने गेमिंग फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने BGMI गेम ओपन कर ली है और जो अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन है ये आपको लेफ्ट या फिर राइट साइड में मिलता है। जस्ट आपको इसे स्वाइप करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा गेम मोड ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको सभी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन कर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलता है गेम ड्यूरेशन का, जहाँ पे शो करेगा कि आप कितने टाइम से गेम खेल रहे हो। ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं CPU एंड GPU। उसी के राइट साइड में नीचे मिलता है बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन, यहाँ पे शो करेगा कि आपकी फ़ोन की बैटरी कितनी है। और आपको यहाँ पे नीचे थ्री ऑप्शंस मिलते हैं, इसे आप थ्री मोड्स कह सकते हैं। जहाँ पे फर्स्ट है बैटरी सेवर मोड, अगर आपके फ़ोन की बैटरी लो है तो आप बैटरी सेवर मोड पर डालकर खेल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो तो आप बैलेंस मोड में आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए गेम खेल रहे हो तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस पर स्विच करके खेल सकते हैं। और आपको यहाँ पे नीचे सारे गेमिंग फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले है 4D गेम वाइब्रेशन, सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है ई स्पोर्ट्स मोड का, अगर आप इसे इनेबल करते हो तो जो डिस्टर्बेंस होगा नोटिफिकेशन से ये सभी चीज़ें ब्लॉक करेगा। एंड थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है वॉइस चेंजर का। फोर्थ है म्यूट नोटिफिकेशन, जस्ट आप टैप करके नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो है लॉक ब्राइटनेस का, अगर आपको ब्राइटनेस लॉक करना है तो जस्ट आप यहाँ पर टैप करके ब्राइटनेस को लॉक कर सकते हैं। एंड सिक्स ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे ऑटो प्ले विथ स्क्रीन ऑफ, अगर आप इसे यूज़ करना है आप यहाँ पे टैप कर दीजिए। एंड जो सेवन्थ वाला ऑप्शन है ये है स्क्रीनशॉट का, अगर आपको गेम का स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे आप टैप करोगे तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि रिकॉर्ड स्क्रीन का, अगर आपको गेम प्ले रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे आप जस्ट अल्ट्रा गेम मोड को ऑन करके जस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड स्क्रीन पे टैप करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है कस्टम का, जिसमें से अगर आपको फंक्शन को रिमूव करना है तो आप यहाँ से जस्ट ऐसे टैप करके रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसे ऐड करना है तो आप प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने आपको इस वीडियो में Vivo T1 5G के अल्ट्रा गेम मोड के बारे में बताया है, इसके सारे सेटिंग्स और फीचर्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।